बताया हमने आपके बजट के अंदर सारा आपका काम कर दिया, और जो चीज गलत थी हमने आपको वो भी बताया था कि हेडलाइट मत खुलो, हेडलाइट खुलवा दोगे आपका नुकसान हो सकता है, जो बाकी लोगों ने नहीं बताया था। इसमें कैरेज में क्या है कि DRL लगवा लेते हैं लोग लाइट वाइट खुलवा के, तो उसमें क्या है कि पानी वानी जला जाता है और वो नुकसान होता ही होता है, और पूरी वारंटी भी वाइड होती है, वारंटी लैप्स हो जाएगी। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, जय माता दी। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पे। आज अपनी चलती कार केयर पे आई है, अपनी कैरेंस बेस मॉडल कैरेंस आई है, तो कैरेंस को हम पूरी मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो अपने भाई आए हैं, अपनी कैरेंस लेके अपना, तो इसमें हम पूरी मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैरेंस कैसी, आप देख सकते हैं कैरेंस जो है पूरी की पूरी अपनी खाली है। आप देख सकते हैं पूरा एंड्रॉयड स्पीकर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो गत्ते वगैरह खुलने स्टार्ट हो गए हैं। आगे कंपोनेंट लगने हैं, पीछे स्पीकर लगने हैं, एंड्रॉइड लगना है, एंड्रॉइड के साथ पीछे कैमरा वगैरह। आप देख सकते हैं रूफ फिल्स भी नहीं है, रूफ फिल्स भी लगनी है, डोर वाइजर हो गए, तो सारा छोटा मोटा सारा काम हो रहा है। ये हमारे बबलू मियाँ जो यहाँ के उस्ताद है, जो हमारे जग्गी कार केयर के उस्ताद है, जो यहाँ पर सारा काम करते हैं, और कपलर टू कपलर काम करते हैं, कोई भी वायरिंग कटिंग कुछ भी नहीं करते, प्रॉपर कपलर टू कपलर काम होगा। और अपनी जो शॉप पड़ती है, पहली शॉप पड़ेगी हनुमान जी की मूर्ति लेफ्ट लेती आ रहे थे हमारे रोड पे, पहली शॉप है जग्गी कार केयर। तो यहाँ पे जिसको भी काम कराना हो वो आ सकता है यहाँ काम कराने। तो फिलहाल काम चालू हो गया, धीरे धीरे मैं आपको दिखाता रहूँगा कि काम कैसा हो रहा है और गाड़ी रेडी होने के बाद कैसी लग रही है। फिलहाल अपनी यहाँ पे डैम्पिंग नहीं है, भैया को हमने बताया डैम्पिंग कराने के लिए, भैया ने अभी डैम्पिंग नहीं कराई है, वो नेक्स्ट बजट में कराएंगे। जितना उनका बजट था उसके बजट के अकॉर्डिंग हमने भैया का सारा जेन्युइन काम भैया को बता दिया, और भैया कह रहे करो, तो स्टार्ट हो गया पूरा काम। बट डैम्पिंग जिसको भी करनी है डैम्पिंग करवाना जरूरी है, तो अपनी गाड़ी में डैम्पिंग जरूर कराया करें। और डैम्पिंग की हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी है, हाई रेंज भी है, लो रेंज भी, जिसके बजट के अकॉर्डिंग सारी अपनी डैम्पिंग हो जाएगी। देख सकते हैं अपनी जो बाहर कैरेंस खड़ी है, कैरेंस में अपना फोकल के ही अपना कोएक्सल लग रहे हैं, फोकल के अपने कंपोनेंट लग रहे हैं, कंपोनेंट अपने फोकल के फिक्स हो चुके हैं, बस अपने स्पीकर लगने की बारी है। तो ये लग रहा है अपना बाहर, अपना ब्लैक कैट की अपनी सेंटर लॉकिंग भी लग रही है, तो धीरे धीरे सारा काम चल रहा है। फाइनली जो टीए कैरेंस आई थी अपने पास वो कंप्लीट हो चुकी है रेडी जग्गी कार केयर में। ये पहली शॉप पड़ती है अपने हनुमान जी की मूर्ति लेफ्ट लेते ही, जो पहली शॉप पड़ेगी अपनी जग्गी कार केयर पड़ेगी। यहाँ पे अपनी पार्किंग, अपनी जबरदस्त पार्किंग है, एक काम का इसका हो गया, क्विड का काम चल रहा है, एंडवेयर आने वाली है, तो सारा काम अच्छे से होता है, बिल्कुल कपलर टू कपलर काम होता है। तो ये रेट होगी, फ्रंट पोर्शन में कुछ नहीं करा, भैया की डिमांड थी फ्रंट पोर्शन पे यहाँ पे DRL लगवाने की, बट हमने DRL के लोगों को मना कर दिया, क्योंकि इनकी पूरी अपनी जो हेडलाइट है वो पूरी खुलती है, खुलने के बाद प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पाती है, तो पानी का इशू रहता है कि बारिश वगैरह आएगी पानी अंदर जाएगा। बट मार्केट में कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, और मेरे पास आओगे तो मैं ये वाला काम कभी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि भाई इसमें प्रॉब्लम आती ही आती है, मार्केट में कोई आपको नहीं बताएगा, कमाने के लिए अपना कुछ ना कुछ करता रहता है इस जगह पे, कि अपनी यहाँ पे लाइट लगा देगा, लाइट लगाने के बाद में आपको इशू आएगा, वारंटी वाइड होने का भी इशू है। तो ध्यान से अपना काम कराए, जहाँ भी काम कराए, और हमारे यहाँ पे हम ये काम नहीं करते हैं और ना करेंगे हम, ठीक है। नीचे आप LED लगवा सकते हो, LED इन्होंने लगवाई नहीं अभी, इनका जो बजट था बजट के अनुसार हमने सारा काम कर दिया। तो फिलहाल आगे का पोर्शन में जो हो सकता है मैंने आपको बता दिया, देन साइड पोर्शन पे चलते हैं। साइड पोर्शन पे भैया ने अपना डोर वाइजर लगाया, देख सकते हैं कैरेंस के बैजिंग के साथ, देन ऊपर रूफ फिल्स लगी है अपनी ब्लैक और सिल्वर की, जो कंपनी से आती है वो, देन उसके बाद नीचे अपनी वेलकम लाइट है, आप देख सकते हैं वेलकम लाइट हो गई। वेलकम लाइट के बाद अपना यहाँ पे आप एम्बियंट लाइट भी लगा सकते हो, भैया ने एम्बियंट लाइट अभी नहीं लगाई, उनके बजट के बाहर था। तो नीचे अपना 70 मैट लगा प्रॉपर फिटिंग के साथ, 70 मैट के बाद सीट कवर भैया के आई रह गए, भैया को सीट कवर का भी काम नहीं था, सीट कवर के बाद स्टीयरिंग कवर भैया ने भी करवाया नहीं, तो जो जो काम भैया ने नहीं करा वो हमने नहीं करा, तो जो जो करा हमने कर दिया। और आगे फोकल के कंपोनेंट लगे, पीछे फोकल के कोएक्सल लगे, स्पीकर वगैरह, तो ये काम हो गया अपना। देन एंटर करते हैं, अपना इंटीरियर दिखा रहे थे मैं आपको, पहले इनकी आपको चाबी दिखा रहे थे, ब्लैक कैट के भैया ने सेंटर लॉकिंग लगी है, किया के बैजिंग के साथ देख सकते हैं सेंटर लॉकिंग लगी है, फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग है ब्लैक कैट की, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद अपनी ये देख सकते हैं अपना एंड्रॉयड लगाया हमने एडिशन का, एप्पल कारप्ले वाला एडिशन है अभी DSP के साथ, और पीछे अपना बैक कैमरा लगा, HD वाला बैक कैमरा लगाते हैं हम, क्वालिटी और क्लैरिटी देख, कितनी जबरदस्त क्लैरिटी आ रही है अपनी बैक कैमरे की। एंड विथ फ्रेम के साथ अपना एंड्रॉयड लगाया एडिशन का, अपना एप्पल कारप्ले वाला, देन अपना ब्लैक कैट की अपनी सेंटर लॉकिंग लगी है, और अपने आगे कंपोनेंट वगैरह लगे, पीछे अपने स्पीकर लगे। तो ये सारा का सारा जो काम हुआ अपने जग्गी कार केयर में हुआ, भैया ने जो काम कराया वो हमने उनकी मर्जी के अनुसार बिल्कुल सेम ऐसा करा, और लो बजट के अनुसार करा। तो एक बार भैया के पास भी चल लेते हैं, भैया से पूछ लेते हैं कि भैया को हमारे यहाँ पे काम करा के कैसा लगा, और उनके बजट के अनुसार वो काम हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार भैया के पास चलते हैं, भैया को हमने
किया का छल्ला गिफ्ट किया। तो ये रहे हमारे भैया जी जिनकी ये गाड़ी है। एक सेकंड, मोर थिंग जो मैंने आपको नहीं बताई, अपना स्टीयरिंग कंट्रोल भी लगा, अपना स्टीयरिंग कंट्रोल ही भैया ने एक्टिव करके मैंने दिखा दिया। आप देख सकते हैं वो स्टीयरिंग कंट्रोल एक्टिव है, ये देख सकते हैं माइनस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो स्टीयरिंग कंट्रोल ही प्रॉपर एक्टिव के साथ भैया स्टीयरिंग कंट्रोल लगा है। तो ये हमारे भैया किया करेंस वाले जो हमारे पास आए थे। तो भैया आप कहाँ से आए थे? मैं भाई नजोगढ़ से। क्या नाम है भैया आपका? विक्की। विक्की नाम है भैया का। तो भैया आपने हमारे यहाँ पे काम कराया है, आपके बजट के अनुसार सारा काम हुआ है? मतलब आप ऑलरेडी मेरे हिसाब से कहीं गए थे, आपने रेट भी लिया था, वहाँ का रेट क्या था और हमारा रेट क्या था एक बार बता दीजिए। भाई देखो, कार में अगर उस काम कराना तो पहले तो देखना पड़ता है, सर्च करनी पड़ती है ना, ऑब्वियसली फैक्ट बात है, ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। तो पहले तीन चार दुकानों पर घूमो, देखो ये क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है, फिर भाई से बात की, फिर जो मेरे बजट में था तो मैं यहीं पे सही लगा। आपने हमें जो बजट बताया, हमने आपके बजट के अनुसार सारा आपका काम कर दिया, और जो चीज गलत थी हमने आपको वो भी बताया था कि हेडलाइट मत खुलाओ, हेडलाइट खुला दोगे आपका नुकसान हो सकता है, जो बाकी लोगों ने नहीं बताया था। इसमें कैरेंज में क्या है कि DRL लगवा लेते हैं लोग लाइट वाइट खुलवा के, तो उसमें क्या है कि पानी वानी चला जाता है और वो नुकसान होता ही होता है, और पूरी वारंटी भी वाइड होती है, वारंटी लैप्स हो जाएगी, लैप्स हो जाती। तो इस वजह से हमने भैया को मना करा वो मत करवाना, क्योंकि आपका ही नुकसान होगा। नई गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी खरीदना इतना आसान नहीं होता, बंदा अपने पैसे जोड़ के खरीदता है और उसके बाद वारंटी वाइड हो जाए तो बड़ा दुख होता है, और उसके बाद गाली मिलती है दुकानदार को। तो इसलिए मैंने भैया को पहले बता दिया कि वो काम नहीं करूँ। तो मतलब आप सेटिस्फाई हो हमारे पूरे काम के साथ? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सेटिस्फाई। आप जितना भी गाड़ी करोगे हमारे पास जाओगे सीधा? हाँ, अभी एक दो गाड़ी और आने वाली है, तो बस हमारे पास जाएगी। वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। कोई और बोलना चाहते हो? हाँ, मैं कह रहा था यार, एक दो चीज होती है, जैसे कोई भी काम कराते हैं, कमाना कमाते तो सब है, बिल्कुल फैक्ट बात है, ठीक है, एक कमाना होता है, जायज कमाना है, तो नाजायज बात है, तो नाजायज को ना जाते पहले थोड़ी रिसर्च कर लो। तो यहाँ पे भाई आपको जायज रेट मिलेंगे और जायज सारी चीजें मिलेंगी। तो अपनी ये जग्गी कार केयर दुकान पहली शॉप पड़ेगी हनुमान जी की मूर्ति से लेफ्ट लेते ही, पहली शॉप है, यहाँ पे गाड़ी लगाई, अपना बजट ले, उसके बाद आगे भी घूम के आ जाए। हमारा बजट लेने के बाद आप वापसी जाके हमसे ही लगवाओगे। मैं भी घूम के आया था, ये भैया भी घूम के आ गए, जहाँ भैया ने ऑनलाइन बजट लिया था यूट्यूब के थ्रू, वापसी आके उन्होंने वहाँ बजट लिया, वहाँ का फिर भी उनका ज्यादा ही था, हमारे बजट से बहुत ज्यादा था। तो ठीक है गाइस, भैया थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। ओके थैंक यू। तो ये गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने जग्गी कार को पूरा सपोर्ट करना, ब्लॉगर करण गाइस चैनल को पूरा सपोर्ट करना।